हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक द लास्ट लेसन चैप्टर का दो लेक्चर्स कर चुके हैं, लेक्चर वन एंड लेक्चर टू। जो हमारा लेक्चर टू था वो थोड़ा एब्रप्टली बीच में आकर एक पॉइंट पर झटके से रुक गया था। कोई बात नहीं, लेक्चर थ्री को बिल्कुल वहीं से उठाते हैं और वहीं से आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर टू कहां एंड किया था इसके लिए अपने प्रीवियस वीडियो सेकेंड लेक्चर को अपने एंड तक एक बार देख लो और वहां से हम लोग लेक्चर थ्री पिक करने जा रहे हैं। द लास्ट लेसन के लेक्चर टू में हम लोगों ने कहां तक बात की थी? हम लोगों ने यहां तक बात की थी उस चैप्टर में आकर कि टीचर एम हैमल ऐसे पढ़ा रहे थे अपने लास्ट क्लास में जैसे कि वो सब कुछ चाहते हो कि आज अंतिम क्लास में एक झटके से ऑल फ्रेंच नॉलेज पुट इन टू देयर हेड्स एट वन स्ट्रोक। यही पढ़ाई किए थे हम लोग, जैसे कि टीचर चाहते हो कि सारी नॉलेज एक बार में इन बच्चों के दिमाग में डाल दी जाए। यहीं से पढ़ाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, लाइंस को मिला लो बुक में, अपने अपने पीडीएफ में मिला लो जो तुमने डाउनलोड किया है। ही वॉन्टेड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रोक। हम लोग यहीं से पिक कर रहे हैं। आफ्टर द ग्रामर we had a lesson in writing. चूंकि ये नया लेक्चर है इसको रिवाइज कर लिया जाए। We had a lesson in writing. क्या क्या किया था M. Hamel ने क्लास में? M. Hamel ने क्लास में अपने स्टूडेंट से सबसे पहले कहा था कि this is the last French class. दूसरा काम क्या किया था? He checked everybody's homework. थोड़ा डांटा, थोड़ा समझाया। What did he do next? उसने बात किया कि फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट क्लियर, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज और सारे इंस्लेव्ड लोगों को लैंग्वेज को ऐसे पकड़ के रखना चाहिए जैसे कि वो हमारे ताले की, बोलो, ताले की चाबी हो, ऐसा पकड़ के रखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उसके बाद एम हैमल ने राइटिंग के लिए उसके बाद एम हैमल ने उनको ग्रामर पढ़ाया और ग्रामर पढ़ाने के बाद अब एम हैमल क्या करने जा रहे हैं? That day he also had a lesson in writing, yani writing practice ka bhi intizam M. Hamel ne kiya hai. That day M. Hamel had new copies for us. Kaisi copies leke aaye the? New copies. Ek bar dimag pe zor dal ke yaad karo ki M. Hamel aaj class mein kaise kapde pehen ke aaye hain. M. Hamel aaj class mein apna special dress pehen ke aaye hain, green coat, embroidered shirt and hat. क्यों लगा के आए ये सब चीजें, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बिकॉज यू वॉन्टेड टू मेक द क्लास स्पेशल। आज नई कॉपीज बच्चों के लिए लेके आए। नई कॉपीज क्यों ला? बिकॉज यू अगेन वॉन्टेड टू मेक दिस एक्सपीरियंस स्पेशल फॉर द चिल्ड्रन। और नई कॉपी में वो उनके लिए ही वॉन्टेड टू गिव देम सम डिक्टेशन, सम वर्ड्स फॉर डिक्टेशन। कौन से वर्ड्स लाए हैं देखा जाए। एंड इन दैट ब्यूटिफुल राउंड हैंड में, बचपन को याद करो अपने, कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखते थे हम लोग, प्रैक्टिस करते थे तुम लोग डिक्टेशन, और उसमें हम लोग वर्ड्स पढ़ते थे जैसे कैट, रैट, मैट, टेबल, और टीचर देते थे कॉपी में एंड यू वर सपोज टू कॉपी कैट 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 कैट, रैट रैट रैट, यू वर सपोज टू कॉपी इन कर्सिव हैंडराइटिंग। एम हैमल भी इनके लिए कुछ लेके आए हैं, बट व्हाट आर द वर्ड्स, लेट अस सी। ही हैज ब्रॉट फॉर देम वर्ड्स लाइक France, Alsace, or the students are supposed to repeat these four words, France, and similarly Alsace, France, Alsace, Alsace. This is how they are supposed to repeat these words in their copy. Bada ajeeb baat hai ki M. Hamel as a teacher, why has he brought these copies and given such words for dictation? He could have also given words like cat, rat, table, chair. Why is he giving words like France, Alsace? दिमाग पे जोर डालो और सोचो, खुद से सोचो कि ऐसा क्यों कोई कर सकता है। Why can a teacher give words like France, Alsace? इसको समझने के लिए तुम थोड़ा अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो भी आना पड़ेगा। इन योर ओन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन आवर ओन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इमेजिन डेज लाइक
your Republic Day and Independence Day. And on those days when you go to your school or when you go on the streets, you find people wearing caps and some using balloons and flags and placards written India, 65th year of independence, I love my India, things like this. That day, imagine, compare your own emotion. Do you feel the kind of patriotism that you feel for your country? Do you feel equally patriotic on non-independence days? क्या 15 अगस्त को तुम जितना पैट्रियोटिक फील करते हो क्या बिल्कुल उतना ही पैट्रियोटिक तुम हर समय फील करते हो हर दिन? अगर तुम ऑनेस्ट आंसर दोगे तो ऐसा नहीं होता है. यानी अपनी कंट्री की फ्लैग को देखना, अपनी कंट्री के बारे में लिखना, आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन, आई लव माई कंट्री इंडिया, आई लव माई कंट्री इंडिया, ऐसा बोलने से यू नेचुरली हैव अ सर्ज ऑफ इमोशंस फॉर योर ओन कंट्री एट दैट मोमेंट. आज इनकी स्थिति भी तो वैसी ही है. दैट फ्रांस हैज बीन कॉन्कर्ड ओवर बाय जर्मन्स, द प्रशियंस. और ये जो वर्ड्स हैं, अगर ये सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, अल्सेस अल्सेस अल्सेस, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, तो वो कैसे महसूस करेंगे? जरूर पैट्रियोटिक फील करेंगे अपने अंदर और इमोशनल फील करेंगे अपनी कंट्री के लिए. और तुम देखो, ये जो कॉपी के पन्ने हैं over which these words are written, France, Alsace, France, Alsace, and everybody, all the students are writing these terms, France, Alsace. ये छोटे-छोटे copy के पन्ने, हवा चल रही है, तो table पे वो पन्ने ऐसे-ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे-ऐसे उड़ रहे हैं. और France बोलता है कि ये छोटे-छोटे पन्ने, they looked like little flags, जैसे कि वो छोटे छोटे झंडे हो, ऐसे उड़ रहे थे, वो जो पन्ने ऐसे फड़फड़ा रहे थे हवा में. इट लुक्ड लाइक दोज पेजेस वर स्मॉल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. ऐसा लग रहा था जैसे इन द स्कूल क्लासरूम ऑन एवरी टेबल देयर इज अ स्मॉल फ्लैग केप्ट व्हिच इज फ्लाइंग. और सोचो बच्चों, अब तुम कनेक्ट कर सकते हो, क्या ये पेजेस फ्लैग्स हैं? नहीं. फिर फ्लैग्स क्यों बोल रहा है उसको? बिकॉज द स्टूडेंट्स आर फीलिंग सो पैट्रियोटिक, द टीचर इज फीलिंग सो पैट्रियोटिक, द होल एनवायरमेंट इज सो पैट्रियोटिक दैट दीज पेजेस कैरिंग द वर्ड्स फ्रांस अल्सेस दैट मेक्स द पेजेस सो मच लेडन विद इमोशंस अबाउट देयर कंट्री दैट दीज स्मॉल पेजेस ऑल्सो अटेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फ्लैग. वो पन्ने भी एक फ्लैग जितना इंपॉर्टेंस अटेन कर ले रहे हैं अपने अंदर. तो पन्ना फ्लैग नहीं है, पन्ना फ्लैग जितना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि टीचर पैट्रियोटिक फील कर रहा है, बच्चे पैट्रियोटिक फील कर रहे हैं, और पूरा एनवायरमेंट में एक पैट्रियोटिज्म की एक हवा सी चल रही है उस माहौल में. तो वो छोटे छोटे पेजेस दे वर लुकिंग. तो बोर्ड के आंसर क्या करोगे? व्हाट विल यू आंसर इन द बोर्ड एग्जाम? In the board exam, you will answer, why does France call those little pages flags? France calls those little pages flags because in that class, the teacher was feeling immensely patriotic. The students were also feeling immensely patriotic. And the small pages that carried the words France and Alsace suddenly surged in importance and attained the value of a flag. ये इसका आंसर होगा. तुम इस वीडियो को आगे पीछे करके मेरी बात को एक बार दो बार सुन के कॉपी में नोट भी कर सकते हो. So you must note down this point. सबसे अच्छी बात वीडियोज की ये होती है बेटा कि तुम सब फ्री हो एक टीचर की बात को क्लासरूम में तुम हमको रिवाइंड नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो को तुम रिवाइंड कर सकते हो. So एक बार पीछे जाओ, फिर सुनो, फिर पीछे जाओ, फिर सुनो, एंड यू कैन नोट डाउन. तो नोट जरूर करना. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. जैसे लग रहा था कि हमारे डेस्क के टॉप पर वो पन्ने बंधे हों और ऐसे ऐसे उड़ रहे हों, जस्ट लाइक फ्लैग्स. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज. हाउ क्वाइट क्वाइट, कितनी शांति क्लास में थी. बताओ इतनी शांति क्लास में क्यों? Because everybody is concentrating on the work.
सबका मन लग रहा है, आज कोई भागने के मूड में नहीं है, किसी फ्रेंड्स को जंगल में भागने का मन नहीं कर रहा है, किसी ओल्ड लोगों को बाहर पैसे कमाने का मन नहीं कर रहा है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिस्पेक्ट लैंग्वेज देयर कंट्री, सो एवरीबडी इज फोकसिंग. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर पेपर व्हेन देयर इज वेरी क्वाइट इन एग्जाम रूम. तुम देख सकते हो कि कभी कभी आवाज आती है, खाली पेन चलने की आवाज आती है, पन्ने पलटने की आवाज आती है, इतनी शांति होती है. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स बीटल्स कीड़े, कुछ बीटल्स उड़ते हुए क्लास में चले आए. अगर तुम क्लासरूम में क्लास कर रहे हो और अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और अचानक से कुछ कीड़े उड़ते हुए आ जाएं, तो सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ के बीटल्स को देखने लगते हैं या कीड़े को देखना शुरू कर देते हैं. पर अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है और तुम्हारे आसपास कोई कीड़ा उड़ना भी शुरू कर देता है, यू डू नॉट गेट डिफोकस्ड, यू डू नॉट फील डिस्टर्ब्ड. आज क्या इनके साथ क्या हुआ? व्हेन द बीटल्स फ्लू इन, वॉज एनीबडी डिस्टर्ब्ड? नो, नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. लिटलेस्ट वंस, क्लास में छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, बहुत छोटे बच्चे, वो भी डिस्टर्ब नहीं हुए. आज के दिन बच्चों, क्लास में बूढ़े, बच्चे, स्टूडेंट्स सब बैठे हैं क्लास के अंदर आके. बिकॉज इट इज नो नो ऑर्डिनरी क्लास, इट इज अ वेरी स्पेशल क्लास टूडे, द लास्ट क्लास. और हुआ क्या, आज वो छोटे छोटे बच्चे जो क्लास में बैठे थे, एंड दे वर वर्किंग ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. तुम जानते हो ट्रेसिंग क्या होती है? कागज पर कुछ रखकर उसके मार्जिन्स को ऐसे ऐसे बनाना, इज कॉल्ड ट्रेसिंग. तो ये जो छोटे बच्चे थे क्लास में, ये पढ़ाई तो कर नहीं सकते, सो दे वर कीपिंग फिश हुक्स, मछली पकड़ने वाला कांटा, और उसी को रख के वो लोग ट्रेसिंग कर रहे थे. लेकिन वो ट्रेसिंग भी इतने ध्यान से कर रहे थे जैसे कि फ्रेंच पढ़ रहे. क्यों? क्लास का माहौल इतना सीरियस था आज, इतना पैट्रियोटिक, इतना सीरियस, कोई भी बात करने के मूड में नहीं था. एंड व्हेन द बीटल्स फ्लू इन, बड़े बूढ़ों को छोड़ो, छोटे बच्चे भी ऊपर नहीं देखे. एवरीबॉडी वाज सो फोकस्ड, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू. दे वर ट्रेसिंग द फिश हुक्स एज इफ दे वर स्टडिंग फ्रेंच. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहानी में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो. पीजन्स, पीजन्स मतलब कबूतर. द पीजन्स कूड वेरी लो. कू, कू इज अ वर्ड यूज्ड फॉर पीजन्स. जो पीजन्स बोलते हैं ना, उनको इंग्लिश में बोलते हैं कू, पीजन्स कू. पीजन्स कूड वेरी लो, छत पर बाहर, बाहर छत पे कुछ कबूतर ने आवाज की, जैसे गुटरगू वाली आवाज की. कबूतर ने जैसे ही कू किया, आई थॉट टू माई सेल्फ, फ्रेंड्स सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स. फ्रेंड्स ने सोचा, हम सब तो फ्रेंच लैंग्वेज छोड़ने जा रहे हैं, क्या इन कबूतरों को भी ये लोग अब जर्मन में गाने को कहेंगे? क्योंकि कबूतर तो अपनी भाषा में गाता है ना, हम लोग तो फ्रेंच छोड़ रहे हैं, हम सब तो अब इनके कंट्रोल में आ चुके हैं, हमारी लैंग्वेज जा रही है. फ्रॉम टुमारो नोबडी अमंग्स अस विल बी एबल टू स्पीक फ्रेंच, एवरीबडी विल लर्न जर्मन. पर इन कबूतरों का क्या होगा, क्या ये लोग भी कल से जर्मन में गाएंगे? ऐसा फ्रेंच सोचता है. बात यही रुक जाती है, बात यही रुकती है, लेकिन तुम्हारे ध्यान देने की बात है कि फ्रेंच ऐसा क्यों बोल रहा है. जर्मन में कल से पीजन्स जर्मन में गाएंगे, मतलब क्या हुआ इस बात का? क्या पीजन्स क्या आज क्या फ्रेंच में गा रहे थे क्या, जो कल से जर्मन में गाएंगे? कल से फ्रेंच, ये जो पीजन्स हैं बच्चों, ये बोर्ड क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको. कल से पीजन्स भी क्या जर्मन में गाएंगे? ये क्या है, व्हाट इज दिस इमोशन? इसको समझने के लिए फिर तुम्हें हम एग्जाम्पल एक देते हैं, तब तुम समझ पाओगे. जैसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक छोटा कुत्ता है, पेट डॉग, बहुत छोटा कुत्ता, प्यारा सा कुत्ता है. तुम पता नहीं डॉग लवर हो कि नहीं, हम तो बहुत डॉग लवर हैं.
तुम में से जो डॉग लवर होगा वो भी इस इमोशन से कनेक्ट करेगा। तो मेरे पास एक छोटा कुत्ता है एंड आई एम अ स्मॉल चाइल्ड। हम लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं और मेरी मदर हम पे बहुत गुस्से में है। और मेरी मदर ने क्या किया, बहुत तेज डांटा आके और बोला कि पढ़ाई करते नहीं हो बिल्कुल, आज तुमको और तुम्हारे इस पपी दोनों को खाना नहीं मिलेगा, और दोनों गुटाए कमरे में बंद करते हैं, और दोनों को कमरे में बंद कर दिए। अब हम फंस गए रूम के अंदर, मेरा पपी भी फंस गया। हम बैठे हैं 2 घंटे 4 घंटे खाने को मिल नहीं रहा है, पपी भी उधर रो रहा है बैठ के। When I look at the puppy, और मदर ने बाहर से और धमकी दी, अभी खाना ही नहीं तुमको और तुम्हारे पपी को उठाए घर से बाहर फेंकेंगे। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि घर के बाहर जाके सड़क पर हम कैसे घूम रहे होंगे, क्योंकि घर से निकाल दिया जाए। और हम सोच रहे हैं मैं तो सड़क पर घूम रहा हूंगा, क्या ये पपी भी सड़क पे घूम रहा होगा, क्या ये पपी भी सड़क पे चला जाएगा, जानते हो क्या चल रहा है। असली बात तो ये है कि अंदर से हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं और बहुत डरे हुए हैं, और अपने डर को पपी पर एक्सटेंड करके ले जा रहे हैं। यानी अपने डर को हमने एक्सटर्नलाइज कर दिया, एक्सटर्नलाइज बाहर ले गया उस डर को, और पपी के साथ इमेजिन किया उस डर को, जबकि डरे हुए हम हैं। पपी तो इस भाषा को समझ में नहीं पा रहा है मदर की, कि आज खाना नहीं मिलने वाला है, सड़क पर फेंके जाने वाले हो, ये बात पपी कहां समझ पा रहा है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अब क्या मेरा पपी भी रोड पे घूमेगा, असल में रोड पे हम घूमने वाले हैं, पपी के लिए डर रहे हैं। अब फ्रेंड्स और पीजन से तुम इस बात को करेक्ट करो, कल से क्या ये पीजन भी जर्मन में गाएंगे, असली में कौन डरा हुआ है, असली में तो फ्रांस डरा हुआ है, असली में तो ये लोग डरे हुए हैं, और अपने डर को किसके साथ इमेजिन कर रहे हैं, इन एनिमल्स के साथ, इन बर्ड्स के साथ, ये सोचते हुए कि वी आर स्लेव्स नाउ, दीज जर्मन्स आर इंपोजिंग देयर लैंग्वेज अपॉन अस, विल दे एनस्लेव दीज फ्रेंच एनिमल्स एंड फ्रेंच बर्ड्स ऑल्सो। सो व्हाट इज फ्रांस डूइंग ओवरऑल, फ्रांस इज friends, why is France saying that pigeons will be singing in German? Because France is feeling very, very helpless, very, very defeated, and he is just externalizing his fear and helplessness. He is externalizing his fear and helplessness, externalizing and extending it to the level of pigeons, वो कर क्या रहा है, अपनी fear और helplessness को externalize कर रहा है और pigeons तक ले जा रहा है, जैसे कि I am enslaved. Probably, are these animals also going to be enslaved? So what is the true emotion? The true emotion is that Franz is feeling very, very scared and his helplessness is being extended to the level of animals and birds. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. Every time I looked up from my writing, जितनी बार मैं लिखते लिखते ऊपर देख रहा था, मैंने क्या देखा, एम हैमल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हैमल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। एम हैमल ने हम लोग को काम दे दिया, हम सब लिख रहे थे और एम हैमल बैठ के चुपचाप पूरी क्लास को देख रहा है, ऐसे चुपचाप देख रहा है, एक चीज को देख रहा है, दूसरी चीज को देख रहा है, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school classroom. जैसे कि एम हैमल चाहते हो कि इस क्लासरूम में जो चीजें हैं ना, अंतिम बार मेरी आंखों में बस जाए। That shows his love for the school classroom. एम हैमल चाहते हैं कि अंतिम बार मैं हर चीज को देख लूं। फैंसी 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 मतलब बुक में देखो बच्चों, फैंसी मतलब इमेजिन, फैंसी
For 40 years he had been there in the same place. 40 saal is aadmi ne yahan bitaya. With his garden outside the window and his class in front of him. Just outside the window there is a garden. Inside there is a classroom. Just like that. 40 saal se aisa hi hai. Yahi garden, yahi classes, yahi benches. Only the desks and benches had been worn smooth. Worn smooth. Istemal karte karte cheezein ghis jati hain. Purani ho jati hain. Benches par baithte baithte benches ghis jate hain. To aaj itne saal mein kya badla hai? Kuch nahi badla. Bas benches thodi ghis gayi hain. Thodi purani ho gayi hain. Bahar wale garden mein ek walnut tree hai. Walnut ka tree thoda bada ho gaya hai. Ek lata hai. Lata, hopwine. Hopwine matlab pedon ki lata. एक हॉपवाइन है दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ इट ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ. वो लता जो उसने खुद लगाई थी आज बड़े होते 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 कहां चली गई है? छत तक पहुंच गई है. 40 साल में कुछ नहीं बदला. बस यही बदला है कि बेंचेस थोड़े पुराने हो गए, पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया, लता छत तक पहुंच गई और कुछ नहीं बदला. और 40 साल बाद क्या बदला? सीधा ये बदला दैट यू आर लीविंग द स्कूल फॉर एवर एंड फ्रॉम टुमारो जर्मन टीचर इज कमिंग हियर. कितना हार्ड ब्रेकिंग रहा होगा एम हैमल के लिए. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. पुअर मैन. पुअर मैन गरीब आदमी नहीं, बेचारा आदमी. कितना दिल टूटा होगा उसका, उस बेचारे आदमी का. To hear his sister moving about in the room above packing their trunks. ऊपर में उसकी बहन बक्से वगैरह पैक कर रही थी, उसकी आवाज आ रही थी, उसको सुन रहा था वो, क्योंकि आज के क्लास के बाद तो उसको अपना ये स्कूल छोड़ देना है. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे. एक बात बताओ स्टूडेंट्स, एक ऐसा टूटा हुआ आदमी, ऐसा हार्ट ब्रोकन आदमी, तो तुम क्या इमेजिन करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ हार्ट ब्रोकन पर्सन? उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो बड़ा जबरदस्त हिम्मत दिखाएगा? नहीं, वो तो बेचारा बेचारा बिल्कुल टूटा हुआ होगा. बट लुक एट एम हैमल, ही इज सो हार्ट ब्रोकन बट इवन नाउ ही इज नॉट लूजिंग हिज पेशेंस. अरे वो चाहे तो रोना स्टार्ट कर दे, वो चाहे तो बच्चों से बोले कि बच्चों आज लास्ट क्लास है, खत्म हुआ ये सब, लेट अस गो नाउ, कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का. बट देखो वो क्या कर रहा है. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. हर पढ़ाई को, भाई बच्चों क्या पेशेंस, हर पढ़ाई को आराम से अंत तक सुन रहा है. आफ्टर द राइटिंग, अरे एक और चीज पढ़ लिए लोग, फ्रेंच आज लास्ट क्लास है, होमवर्क, डांटना, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ग्रामर, राइटिंग, यहां तक पढ़ाई हो चुकी है, लास्ट पढ़ाई आज की. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. थोड़ा हमने फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू. साउंड, साउंड्स पढ़ते हैं बच्चे. फ्रेंच छोटे बच्चों ने चैंटिंग शुरू किया साउंड्स का. उस दौरान जानते हो बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं? डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स. ओल्ड हॉसर, वो जो क्लास में पीछे बैठा था, ओल्ड हॉसर वो जो प्राइमर लेके आया था. तुम्हें लेक्चर नंबर 1 में बताए थे हम प्राइमर के बारे में, याद करो एबीसीडी की बुक. वो ओल्ड हॉसर अपनी प्राइमर लेके बैठा हुआ है, अपने दोनों हाथ में पकड़ा है, एंड ही वाज स्पेलिंग द लेटर्स विद देम. उनके साथ साथ बोल रहा है. एंड यू नो व्हाट ही वाज डूइंग? ही वाज क्राइंग. यू सी, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग. हॉसर वाज क्राइंग रियली. क्यों रो रहा है बताओ? अरे वो रो रहा है बिकॉज ही इज रिपेंटिंग फॉर नॉट हैविंग गॉन टू स्कूल इनफ, for not having respected their own language. Aaj ro raha hai aur language padhne ki koshish kar raha hai. His voice trembled with emotion. Uski voice ekdam kaanp rahi thi. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. It was so funny. Are old hosser ro raha hai to isme funny kya hai? छोटे बच्चे क्या होता है कि जब कभी बड़ों को रोता हुआ देखते हैं ना, तो उनको हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने तो उन बड़ों को हमेशा देखा एकदम स्ट्रिक्ट, डांटते हुए, समझाते हुए. बट व्हेन दे सी देयर एल्डर्स क्राइंग दे फाइंड इट फनी. वो हंसने लगते हैं, अरे वो देखो दादाजी रो रहे हैं, एंड दे स्टार्ट लाफिंग.
ओल्ड हॉर्सर को रोता हुआ देख के इनको हंसी आ रही है, इन लोग को हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है. दे बोथ वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. फ्रांस बोल रहा है मुझे कितनी अच्छी तरह याद है मेरा वो अंतिम लेसन, मेरा वो अंतिम लेसन. यानी फ्रांस अब बड़ा हो चुका है और इस कहानी को लिख रहा है या सुना रहा है तुमको. बोल रहा है मुझे कितनी अच्छी तरह याद है मेरा वो लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अचानक चर्च क्लॉक में 12 बज गए. चर्च की घड़ी वो जो टन टन ऐसे बोलती है, 12 बज गए. देन द एंजेलस, चर्च क्लॉक में 12 घंटे के बाद एक साउंड होता है. एंड देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, 12 बज चुका है, प्रशियंस आ चुके हैं और प्रशियंस का ट्रम्पेट स्टार्ट हो गया. ट्रम्पेट मतलब बिगुल, आवाज स्टार्ट हो गया क्योंकि प्रशियंस आ गए. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. वो आ गए. आ गए का मतलब काम खत्म, स्टॉप एवरीथिंग, योर टाइम इज अप, फ्रेंच पढ़ाना खत्म, सारे वर्क्स रोको. एम हैमल जान गया कि उसके क्लास का अंत आ चुका है. ही स्टूड अप वेरी पेल. पेल का मतलब क्या होता है? फीका चेहरा. वेरी पेल इन हिज चेयर ही स्टूड अप, खड़ा हो गया. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. क्यों लंबा दिखाई पड़ रहा है एम हैमल? Why is he looking tall? Because he is so proud. He is standing erect in front of them. Erect, बिल्कुल सीधा खड़ा है. He was looking so tall. और जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, पहले एक बार रुक जाओ बच्चों, यहां बोर्ड मिटा दें, बोर्ड क्लियर कर दें, फिर तुम्हें बताएंगे. एम हैमल ने उस घड़ी की आवाज सुनी, एम हैमल ने उन प्रशियंस के आने की आवाज सुनी और एम हैमल अपने चेयर के पास खड़ा हो गया. ही वॉज लुकिंग वेरी वेरी टॉल. क्यों टॉल लग रहा है? बिकॉज ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट हिमसेल्फ. और एम हैमल ने क्या किया? उसने बोला, माई फ्रेंड्स, बट समथिंग चोक्ड हिम. कुछ बोलने की कोशिश किया क्योंकि उसकी आवाज गले में अटक सी गई. चोक्ड हिम, कुछ शायद अब वो शायद रो देने वाला था. Probably he was going to have a breakdown now. He was about to break down. He could not go on. आगे नहीं बढ़ पाया. Then he turned to the blackboard. बोलने की कोशिश किया लेकिन गला उसका रूंध गया. He wanted to cry. लेकिन वो अपने students के सामने रोना नहीं चाहता. Because he wanted to put up a very brave face in front of them. He turned to the blackboard. Took a piece of chalk. And bearing on with all his might. Might मतलब ताकत. अपनी पूरी ताकत के साथ he wrote on the board as large as he could. क्या लिखा उसने? आओ देखते हैं. पूरी ताकत से जितना बड़ा लिख पाया उतना बड़ा लिखा उसने. क्या लिखा? हम लोग भी देखा जाए. उसने लिखा, Viva la France. उसने खूब बड़ा बड़ा बोर्ड पर जितना बड़ा लिख पाया उसने लिखा, Viva la France. Viva la France का मतलब होता है, इंग्लिश में देखा जाए, इंग्लिश में इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. फ्रेंच में लिखा उसने, उसने फ्रेंच में लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे. उसने अपने अंतिम जो मैसेज अपने स्टूडेंट्स को दिया, व्हाट वाज द मैसेज? वीवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. कितना आयरोनिकल, अरे फ्रांस तो जर्मन कंट्रोल में है, बट अपने स्टूडेंट्स को वो कह रहा है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब एज इफ इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू हिज स्टूडेंट्स दैट यू कैन नाउ सेव योर ओन कंट्री. And how can you save your own country? By staying connected to your language first. Viva la France. Then he stopped and leaned his head against the wall. अपने सर को उसने ऐसे करके बोर्ड से लगा लिया. अपने सर को बोर्ड से लगा लिया. क्यों सर को बोर्ड से लगा लिया? शायद रो रहा होगा. Probably रो रहा होगा. He leaned against the wall and without a word, he made a gesture to us with his hand. Gesture, मतलब हाथ से इशारा करना, हाथ से इशारा करना, जैसे कि ऐसे लगा लिया और हाथ से इशारा किया. Gesture with his hand, school is dismissed.
यू मे गो, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, उसने बस इशारा किया ऐसे, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, मतलब स्कूल खत्म हो चुका है अब तुम लोग जा सकते हो. एंड द चैप्टर फिनिशेज सो अब्रप्टली, कितना झटके से खत्म हुआ. स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, इसका मतलब हुआ दैट एम हैमल एज अ टीचर हैड गिवन हिज बेस्ट, whatever was possible, he had given his message to his students, he had given everything that he was capable of, he inspired them, he motivated them, and at the end of everything he was actually breaking down, he was about to cry, but he did not want to break down in front of his students, so he hid his face, apna chehra chupa liya, and he signaled to them, he gestured to them, the school is dismissed, you may go. Yani ye kahani kaise khatam hui? Is kahani mein tumne dekha कि Germans were exercising superiority of their language over the French, and French, M. Hamel, was trying to give or instill in his students a superiority about their own language, क्योंकि जब आप अपनी language को लेकर superior feel करेंगे, तो आप दूसरे के language को accept ही क्यों करेंगे? And the lesson that he gave was M. Hamel's last lesson. And this is why the name of the chapter is The Last Lesson. इसके साथ हम लोग अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं. अपने इस लेक्चर को खत्म करने के बाद इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक बार देखोगे, अपने चैप्टर के साथ कनेक्ट करोगे और उसको आंसर करने को ट्राई करोगे. कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना, और जितने क्वेश्चंस तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, हम लोग जब अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो इसके क्वेश्चंस को क्विक डिस्कशन एक करने के बाद तब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे. तो इसको तुम लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से, और पूरे वीडियो को बैकवर्ड फॉरवर्ड करके अच्छे से सुन लेना, अपने नोट्स बना लेना. तो आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.